जो गठबंधन हुआ है उस तरीके से सभी लोग चाहे सपा हो चाहे बसपा हो बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये किस तरीके से उनका सपना पूरा हो सकेगा उसके बारे में बताएं। देखिए, बहन जी प्रधानमंत्री बने ये केवल बहन जी का सपना नहीं है, ये बहुजन समाज का सपना है, साहब कांसीराम का सपना है जी। तमाम सहमति असहमति के बावजूद भी बहुजन समाज संगठनबद्ध है, बहुजन समाज एकबद्ध है इस बात के लिए कि बहुजनों की सरकार बननी चाहिए। और आज बहुजन समाज की जब हम बात करते हैं तो बहुजन विरासत को बचा रही बहन जी सबसे बड़ी नेता है। जाहिर तौर पर वो प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी और सबसे काबिल उम्मीदवार है और सबसे उम्रदराज भी हैं। बड़े भाई अखिलेश यादव ने इस बात को माना, खुद माना है, उन्होंने यहाँ तक भी कि बहन जी का अपमान मतलब अखिलेश यादव का अपमान, इस बात को क्या नाम है कि आपके तेजस्वी यादव जी ने माना थी बिल्कुल तौर पे बहन जी। दरअसल बहन जी की जरूरत चाहे उसे जरूरी कहिए चाहे मजबूरी कहिए, लेकिन बहुजन समाज चाहता है इस बात के लिए। और शायद बहन जी को जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया है उसके बाद इसकी अदालत का अपना नंगा चेहरा भी दिखाई देने लगा। अदालत कह रही कि बहन जी ने जो क्या नाम मूर्तियों पर पैसा लगाया है, जो हाथी पर पैसा लगाया उसको वापस किया जाए। मतलब कितना बेहुदा फैसला होता है, कैसे कैसे जज बन जाते हैं, मुझे हंसी आती है इस देश के लोगों पर। हम कह रहे हैं भाई अम्बेडकर पार्क में जितना पैसा मिला है वो क्या बहन जी के खाते में गया, बसपा के खाते में गया है, या भारत सरकार के खाते में गया, राज्य सरकार के खाते में गया है। जब उस हाथी को देखने के लिए जो लोग चंदा दिए हैं, जो लोग टिकट कटाए हैं, जो लोग शुल्क दिए हैं, वो सरकार के खाते में जाता है तो पैसा बहन जी को देंगी। और मैं तो, मेरा एक वीडियो मैंने जारी भी किया था और इंटरव्यू भी दिया था, मैं तो बहन जी से के साथ खड़ा हूँ, बहन जी के पक्ष में खड़ा हूँ और इस बात का आह्वान कर रहा हूँ कि अदालत पैसा बताए ना भाई, कितना पैसा बाकी है। बहन जी नहीं, बहुजन समाज के लोग चंदा इकट्ठा करके दे देंगे। हम लोग भारत बंद कर सकते हैं तो चला भी सकते हैं, 200-400 करोड़ रुपए सरकार को दे भी सकते हैं, इस हुकूमत को दे सकते हैं। चूंकि जब हम हाथी पार्क की बात करते हैं, जब हाथी की मूर्ति की बात करते हैं, तो हाथी की मूर्ति दरअसल केवल बहन जी का फैसला नहीं है, ये बहुजन समाज का फैसला है, कैबिनेट का फैसला है। इसलिए बहुजन समाज पर इस देश की अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया था, इसलिए हम लोग अदालत के इस फैसले के खिलाफ है। हालांकि 2 अप्रैल को उनका फाइनल जजमेंट आएगा, उस बात का इंतजार है। सूरज जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि 2019 में किसकी सरकार बनेगी, ये बहुत अहम सवाल है जी। और सरकार बनेगी तो किस तरीके से बनेगी उसके बारे में बताएं। दरअसल एक पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी जी, क्योंकि हमने कहा कि जब हम थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं यानी महागठबंधन की बात कर रहे हैं जी। हाँ, 2019 में बहुजनों की सरकार बनेगी, बहुजन सरकार बनेगी यह निश्चित है। और उसमें बहुजन समाज के जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो एक साथ आएंगे और प्री पोल आएंगे। और कुछ हो सकता है कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हो जो पोस्ट पोल आए, उसमें जो मिनिस्ट्रीम की पार्टियां भी हो सकता है पोस्ट पोल आए, लेकिन सरकार बहुजनों की बनेगी और नेतृत्व बहुजनों का होगा, ये बात एकदम सुनिश्चित है। इस बात को कोई भी नहीं टाल सकता, क्योंकि यह जमीन पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वह बता रहा है। जो गांव के गुरहू चचा मंगरू चचा जो चाय की दुकान पर चाय पी करके जो लोग बात बता रहे हैं वो बता रहे हैं। चूंकि असली अदालत इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में नहीं बसती, मेरा मानना है कि इस मुल्क की असली अदालत जो चमार पासी दुबे देकर अहिर कुहार कुर्मी गरड़ी बहुजन समाज के घर में बसती है जी। जो असली पॉलिटिकल पंडित होते हैं वो जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं 5 स्टार होटल में बैठ करके नहीं अपना आंकड़ा तय करते हैं, बल्कि असली जो फैसला होता है वो गांव के लोग करते हैं, वो शहरों के लोग करते हैं, जो गली मोहल्ले में रहते हैं वो लोग करते हैं, जो आम मजदूर है, जो किसान है, आवाम है, वो तय करता है। तो बहुजन समाज तय कर चुका है कि इस बार बहुजनों की सरकार बनेगी, क्योंकि जब भैया इस मुल्क में जय श्री राम कहकर के आतंक मचाने वालों की सरकार बन सकती है तो जय भीम कहकर मानवता फैलाने वाले की हुकूमत क्यों नहीं बन सकती है जी। यकीनन बनेगी। सूरज जी, एक बात बताइए, आप यूपी से हैं और मेरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से मैं करना चाहूंगा, आप यूपी से हैं और बहन जी ने 38 सीट ली है और सपा सरकार ने 37 सीट ली है जी। तो टोटल गठबंधन जितना होता है, आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियां मिलकर जो गठबंधन करे हैं उसका कितना रिजल्ट, कितनी सीटों पर बसपा और सपा का गठबंधन खरा उतरेगा और कितनी सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों पार्टियां लेकर एकत्रित होंगी? जाहिर तौर पे 75 तक जाएगी पूरी सीट्स, पहली बात। और सवाल जो है केवल यूपी तक नहीं रुकेगी, जिस तरह से सपा और बसपा का गठबंधन हुआ ये समाज का गठबंधन बन चुका है जी। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं, नहीं यार हमारी जो पार्टी है उसमें कुछ खामियां हैं, बावजूद इसके हम अपने पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। चूंकि इस देश की मीडिया अखिलेश यादव को टोटी चोर कहने के लिए बनी है, इस देश की मीडिया बहन मायावती को पत्थर चोर कहने के लिए बनी है, इस देश की मीडिया लालू यादव को चारा चोर कहने के लिए बनी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को राफेल चोर नहीं कहेंगे जी। इसलिए मेरा अपना मानना है कि मीडिया की हकीकत को
लोग समझने लगे हैं, और जो जाति आधारित पार्टियां हैं, जाति आधारित पार्टियां हम नहीं, हम लोग जमात आधारित पार्टियां, जाति आधारित पार्टियां जो भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, मेनस्ट्रीम की पार्टियां हैं, असम गण परिषद जो मेनस्ट्रीम की पार्टी है, उसके खिलाफ लोग खड़े हैं। और जिस तरह से समाज का गठबंधन बना है, अब ये समाज को तय करना है, हम पूर्णतः आश्वस्त भी नहीं है, समाज को चैलेंज भी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बोलने की आज़ादी बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ने लिखने की आज़ादी बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के समाज सुरक्षित रहे, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित आ सकें, जा सकें, अगर आप लिख सकें, पढ़ सकें, बोल सकें, अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें, तो इसके लिए संविधान बचाए जाने की ज़रूरत है। और संविधान तभी बच सकता है जब हमारी हुकूमत होगी, बहुजनों की हुकूमत होगी। चूँकि मेरा मानना है कि उधार की मोहब्बत से शायरी नहीं निकलती है, मोहब्बत खुद की होनी चाहिए। तो भाड़े की हुकूमत से आपके हक अधिकार की सुरक्षा नहीं होगी, दुश्मनों की हुकूमत से आपका हक अधिकार का सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए खुद अपनी हुकूमत बनाइए, बहुजन हुकूमत बनाइए, और बहुजनों की एकताबद्ध कदार को सुनिश्चित करिए, और इस बात के लिए सुनिश्चित करिए, सड़क लेकर संसद तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे संविधान के लिए, लड़ेंगे बाबा साहब के सम्मान के लिए, बहुजन पुरुखों के सम्मान के लिए। आप थे सूरज कुमार बहुत जी, जिन्होंने बहुत सारी बातों के ऊपर हमारे साथ डिस्कस करा। आप लोगों ढेर सारा प्यार हम लोगों को मिला, ढेर सारा आशीर्वाद हमें मिला, और हम चाहेंगे कि आप बहुजन समाज की आवाज़ को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि देश विदेश तक ये सभी खबरें पहुँच सकें। हमारे स्टूडियो में आए आप सूरज जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय।